अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हो दोस्तों आप सब लोग। मैं आपका दोस्त डॉक्टर अली अनवर कुरैशी और फिर से आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ कंसल्टेंट में। दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग या सूज, जिसे हिंदी में हम सूजन कहते हैं। दोस्तों दोस्तों हमारा जो सरफेस होता है वो एकदम प्लेन होना चाहिए। जो हमारा स्किन का सरफेस है वो एकदम प्लेन होता है। हमारी स्किन है, पूरी स्किन ही इंटैक्ट स्किन है दोस्तों। अगर समझो दोस्तों, किसी को हमारे स्किन के ऊपर कोई मार लग जाए, कोई इंजरी हो जाए, कोई फ्रैक्चर हो जाए, कोई स्वेलिंग, कोई इन्फ्लामेशन हो जाए, कोई इन्फेक्शन हो जाए, तो उस कंडीशन पे वो सरफेस पे थोड़ी सूजन आ जाती है, वो सरफेस थोड़ा सूज जाता है, तो उस कंडीशन को हम स्वेलिंग या इन्फ्लामेशन कहते हैं दोस्तों। तो उसे हमें कम करना होता है, तो उसे हमें कम करने के लिए हमें उसके लिए एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स का हम वहाँ पर यूज़ करते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स कौन कौन से हैं दोस्तों? बहुत सारे एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स आजकल अवेलेबल है। जैसे कि आपको पता होगा सिरैशोपेप्टिडेस, सिरैशोपेप्टिडेस ये एक कंटेंट है एंटी इन्फ्लेमेटरी। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन नाम का एक कंटेंट होता है। काइमोट्रिप्सिन नाम का एक कंटेंट होता है। ब्रोमेलिन नाम का एक कंटेंट होता है। रोटा एसिड, तो ये जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी एंजाइम्स है दोस्तों। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कैमरल फोर्ड, सॉरी व्हाट यू कॉल्ड, सिरैशोपेप्टिडेस, ट्रिप्सिन, कैमोट्रिप्सिन, ब्रोमेलिन, रोटा एसिड्स, दिस आर द एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी एंजाइम्स इसको कहते हैं दोस्तों। इससे जो है वहाँ के जो स्वेलिंग है, वहाँ की जो सूजन है वो कम हो सकती है। अगर नॉर्मल इन्फ्लेमेशन या सूजन है, कुछ वहाँ पे जो है पस फॉर्म हुआ है कुछ मार लगने की वजह से, या फिर वहाँ पे मार लगने की वजह से नॉर्मल स्वेलिंग सूजन आई है, तो इस कंटेंट से जो है ये सूजन कम हो जाएगी। या फिर सब जो दोस्तों बहुत दिनों से स्वेलिंग है, लिम्फ नोड्स हैं, ग्लैंड्स हैं, ऐसी भी अलग अलग प्रकार के सूजन्स वो अपने बॉडी पे आते हैं दोस्तों, तो उसके लिए भी अलग अलग प्रकार के कंटेंट हमारे पास है। काल मेघ है, ओमेगा थ्री है, ओमेगा थ्री फैटी एसिड्स है, वेज नॉन वेज, फिश ऑयल, ऐसे जो है अलग अलग प्रकार के जो कंटेंट्स होते हैं दोस्तों, वो जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों वहाँ पर फ्रैक्चर है, तो फ्रैक्चर को हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट देना होगा, और प्रॉपर ट्रीटमेंट अगर करने के बाद ही इन प्रकार के ड्रग्स का वहाँ पे यूज़ होगा दोस्तों, वो एंटी वहाँ की जो इन्फ्लेमेशन है वो कम हो जाएगी दोस्तों। दोस्तों अलग अलग प्रकार के एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं। ऐसा डायनापर, डाइक्लोफेनेक, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, एनसेड, नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स कहते हैं हम उसको। एनसेड, एनसेड में डाइक्लोफेनेक है, फिर बाद में अलग अलग प्रकार के कॉम्बिफ्लाम पे आइबोप्रोफेन है, मेफेनामिक एसिड है, और अलग अलग प्रकार के जो एनसेड्स होते हैं दोस्तों, वो भी जो है जो इसमें जो मोस्ट पोटेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है वो डाइक्लोफेनेक सोडियम है, बट उसका यूज़ जो है प्रिकॉशियसली हमें करना चाहिए। तो मार्केट में बहुत सारे ब्रांड भी अवेलेबल है, जैसे ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ब्रोमेलिन, रोटासिड्स, रोटासिड्स, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन है, कैमरल फोर्ट नाम का ब्रांड अवेलेबल है, और ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ब्रोमेलिन, रोटासिड्स का जो है एंजोमैक नाम का ब्रांड अवेलेबल है, ओमेगा थ्री है, अलग अलग प्रकार के। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।